अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुए हैं खड़े मसूर की दाल लेकर। ये दाल इतनी टेस्टी होती है कि गोश्त भी इसके आगे फेल हो जाए। लोग मटन खाना पसंद नहीं करते, लेकिन ये दाल ज़रूर खाते हैं। आप भी इस दाल को बनाइए और मेरी डिश का मज़ा लीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। देखिए, इसके लिए मैंने 1/4 किलो खड़ा मसूर की दाल लिया है और इसको मैंने ये एक बर्तन में उबालने रखा है। इसमें मैं उबालते समय 1/2 चम्मच हल्दी और थोड़ा सी नमक डालकर इसे उबलने दूंगी 5 मिनट तक, ताकि ये गलने में आसानी हो जाती है। और इसका पानी हम फेंक देंगे। और एक तरफ मैंने कुकर गरम करने रखा है, इसमें मैं थोड़ा तेल डाल देती हूँ। थोड़ा 1 चम्मच डालें कम से कम तेल। और जब ये तेल गरम हो जाए तो इसमें मैंने बघार के लिए, देखिए, ये 2 तेज़पत्ता, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा काली मिर्च, 2 इलायची और छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। देखिए अब ये तेल, हाँ तेल पहले से कुकर गरम था इसलिए तेल गरम हो गया है। अब मैं ये खड़ा मसाला इसमें बघार दूँगी। एक तरफ हमारी दाल उबल गई है, अब मैं इसे गैस बंद कर दूँगी, थोड़ा ठंडा होने देंगे। अभी ये थोड़ा रोस्ट हो जाए, हाँ देखिए अब ये रोस्ट होने लगा। अब मैं इसमें ये प्याज, 2 प्याज काट के रखे हैं छोटे, आधा प्याज, आधे से थोड़ा ज़्यादा इसमें डाल दूँगी। और ये मैं बघार के लिए रखूँगी ऊपर से डालने के लिए। अब प्याज को हम, जब तक लाल हो रहा है प्याज, प्याज को धीरे धीरे लाल होने देंगे। जब ये लाल हो जाए, जब तक मैं मिक्सी में आपको मसाले बताती हूँ। ये खड़े मसाले मैं पीस कर बनाती हूँ। अदरक 1/2 टुकड़ा लिया है, लहसुन 5-6 कलियाँ, 3-4 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। और ये खड़े मसाले 3-4 लौंग है, 2 इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 2 बड़ी इलायची है और थोड़ा सा काली मिर्च है, जीरा है, थोड़ा सा सिया जीरा है। इनको मैं मिक्सी में फ्रेश पीसूँगी। ये हम मिक्सी में डाल देंगे जब तक प्याज लाल होगा। और इसके साथ मैं ये टमाटर को भी पीस दूँगी। 2 टमाटर हैं इसमें, 2 टमाटर को काट लिया है। अब हम इसे जब तक ये लाल हो रहा है तब तक मिक्सी में पीस लेते हैं। मैंने ये अच्छी तरह पीस गया है। अब मैं इसे, जब प्याज लाल हो जाएगी, उसमें डालने के लिए मैंने मसाला, गरम मसाला मैंने पीस ही लिया है। ये 1 चम्मच मिर्च पाउडर है, 1/2 चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच धनिया पाउडर है। हल्दी बिल्कुल कम यूज़ करना है। और जब ये लाल हो जाएगा तो ये मसालों को हम, मैं पहले ट्रांसफ़र करूँगी उसमें, इसे लाल करूँगी, फिर ये मसाले डालूँगी। इस तरह टमाटर, प्याज और ये सब अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। पता, अब ये खड़े मसूर को मैंने छान लिया और एक पानी से धो लिया। इससे इसका थोड़ा कालापन दूर हो जाता है और दाल बहुत खूबसूरत बनती है।
देखिए अब ये प्याज हल्की हल्की लाल हो गई है, ज़्यादा लाल नहीं करना है। अब मैं इसमें ये मसाले जो पीसे हुए थे इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी, ट्रांसफ़र करके हम इसे चलाएंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये मसाला पूरा इसमें आ जाए, कुकर में आ जाए। पहले ये पाउडर मसाला हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देते हैं और ये पानी डालकर हम चलाएंगे। धीमी आंच पे, अब ये मसाला धीमी आंच पे हम 5-10 मिनट तक धीमी आंच पे पकने देंगे। फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ ये मसूर को क्या करना है। अब ये मैंने कढ़ाई रखी, अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे और तेल लाल होने देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे, जब ये लाल हो जाएगा जीरा लाल होने लगा, अब ये जो मैंने अखा मसूर बॉईल किया है इस कढ़ाई में डालकर इसे थोड़ा भून लेंगे हम ताकि इसका पानी सूख जाए और इसका टेस्ट इससे बहुत ही सोंधा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ मसाला भी हो रहा है हमारा, साथ साथ में मसाला भी देखिए अब हो रहा है। जब मसाले में तेल छूटेगा तो फिर ये मैं मसूर इसमें डालूंगी। पानी सूखने दे, देखिए अब ये मसाला तेल छोड़ दिया है। ये थोड़ी सी तरी हम कटोरी में निकाल लेंगे या कोई भी डिश में, ये ऊपर से गार्निशिंग में डाला जाता है। ये तरी मैंने निकाल लिया और बाकी मसाला नीचे छोड़ दिया। अब ये इस तरह से हम चलाकर ये देखिए अब हम ये सूख गया इसका पानी। पानी सूखने के बाद मैंने गैस बंद कर दिया। गैस बंद करने के बाद अब इसमें मैं ये कुकर में डाल दूंगी। इस तरह हम ये कुकर में डालेंगे। अब इसे हम चलाएंगे। चलाकर अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए तो इसमें हम तकरीबन एक डेढ़ गिलास तक पानी डाल देंगे। क्वांटिटी के हिसाब से आप पानी डाल दें। अभी मैंने पानी डाल दिया, अब थोड़ा नमक डाल देंगे, बाद में आप चख लें नमक, और 3 सीटी लगाएंगे
तीन सीटी लगाकर 5 मिनट धीमी आंच पे रखेंगे, फिर उसके बाद मैं खोलकर आपको बताती हूँ क्या करना है। देखिए 10 मिनट बाद, 3 सीटी लगने के बाद मैंने 5 मिनट धीमी आंच पे रखा और अब मैंने ढक्कन इसका खोला। देखिए दाल एकदम अच्छी तरह गल गई है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डाल दूँगी, जैसा आपको क्वांटिटी गाढ़ी रखना है तो गाढ़ी रखिए। और देखिए अब ये दाल पक गई, अब थोड़ा सी उबाल आने देंगे। नमक आप अपने हिसाब से चख लीजिए, जैसे उबाल आएगा फिर आपको बघार करके हम बताते हैं। अब देखिए अब पानी डालने के बाद ये उबलने लगा, बॉयल आने लगा। अब हम गैस बंद करके ढक्कन ढक के रख देंगे, ढक्कन ढक कर रख देंगे। अब इस तरफ हम इसे बघार करते हैं। ये थोड़ा सा तेल लेंगे और थोड़ा सा घी लेंगे, इसे मैं डाल दूंगी। घी से बघारने से ये दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। जो प्याज हमने बचा कर रखी थी, अब इसमें से थोड़ी प्याज हम बघार के लिए डाल करेंगे। धीमी आंच पे लाने लोने, इसे लाल होने दे धीमी आंच पे। ये प्याज जैसे जैसे धीरे धीरे लाल होगी, काला नहीं करना है, हल्का लाइट ब्राउन करना है। और इसमें साथ में हम जीरा भी डाल देंगे, वो भी साथ में पक जाएगा। देखिए ये प्याज लाइट ब्राउन टर्न होने लगी है। अब हम इससे ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, नहीं तो कड़वापन आ जाता है। अब गैस बंद कर देंगे और ये चम्मच हम इसमें कुकर में डाल के ढक्कन बंद कर देंगे। 5 मिनट बाद हम इसे खोलेंगे, फिर सर्व करेंगे। देखिए अब हमारे खड़े मसूर की दाल तैयार हो गई है, एकदम डिलीशियस, मटन को फेल करने वाली। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।